अस्सलाम वालेकुम मशीन के साथ मैं फिजा कमल। नजर डालते हैं आपकी हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद सूबाई हुकूमत अलर्ट है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस अगस्त के नस्बत 3 गुना ज्यादा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए हमें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शावानी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्वेटा CTD के अमले की कामयाब कार्रवाई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्वेटा CTD के अमले की कामयाब कार्रवाई। खुद कुछ धमाकों समेत दीगर दहशत गर्दी की वारदातों में मुलविस कलदम तंजीम के दहशत गर्द जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी को सरयाब के इलाके में कार्रवाई करते हुए मतलूब मुल्जिम मोहम्मद यासिन और बाबा को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से असलाह बरामद कर लिया गया। क्वेटा से रीजी खान, क्वेटा से डेरा इस्माइल खान, चमन से कराची रोड को दोरोया किया जाए। मुतालबात पर अमल दरामद ना किया गया तो 12 अक्टूबर को जोक डिवीजन में शटर डाउन हड़ताल और 14 अक्टूबर को जोक डिवीजन में नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। आज से क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एहतजाज जारी रहेगा। लोरोलाई से क्वेटा पैदल लॉन्ग मार्च करने वाले रहनुमाओं का मुतालबा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक हुक्मरानों का धड़न तख्ता कर देगी। हुकूमत PDM की मकबूलियत से खौफजदा है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। वफाकी हुकूमत की दोगली पॉलिसियों की वजह से हमने अपने रास्ते अलग किए। 2 सालों में हमारे 6 नुकात पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई। बहाल थे मजबूरी पार्टी के साथियों से मुचावरत के बाद हमने हुकूमत से अपने रास्ते जुदा कर लिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमाल दीनी का तुर्बत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। PDM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूं नहीं मुल्क बुरानों और अवाम को महंगाई की चक्की से निकाल सकते हैं। 25 अक्टूबर को क्वेटा में तारीख साफ जलसा होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चीफ ऑफ झालावान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और मुस्लिम लीग नून के सूबाई जनरल सेक्रेटरी जमाल शाह काकर के साथ गुफ्तगू के दौरान बयान। PDM बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की को रोकने और जमहूरी अमल को सबोताज करके अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। बलूचिस्तान के अवाम उनके सूबे में सियासी सरगर्मियों को मुस्तरद कर देंगे। क्वेटा में मौजूदा हुकूमत 40 अरब सड़कों, तालीम, सेहत, स्पोर्ट्स और दीगर शोबों पर खर्च कर रही है क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPAC और बलूचिस्तान से वाबस्ता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतला चौधरी शबीर अहमद की हाफिज असलम और दीगर के हमरा क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्वेटा शहर में शदीद ट्रैफिक जाम अवाम दरबदर होकर रह गए जिसमें मेकांगी रोड, लियाकत बाजार, कुआरी रोड, स्पिनी रोड और दीगर इलाके शामिल हैं, जबकि अवाम का शहर के लिए ट्रैफिक प्लान मुरतब करने का मुतालबा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashiq.com.pk।